ज्योतिष और ज्योतिषियों की आलोचना करना आजकल एक फैशन सा बन गया है। चाहे बड़े से बड़ा राजनेता हो या बड़े से बड़ा बाबा, ये सार्वजनिक रूप से इस विद्या को गाली देते हैं और इस विद्या का उपहास करते हैं, इस विद्या का आश्रय भी लेते हैं। ज्योतिषियों के पास अपना भाग्य या भविष्य पूछने गाये बगाहे पहुँच ही जाते हैं। बहरहाल आलोचना हमें बिल्कुल विचलित नहीं करती और न ही प्रशंसा हमें अभिभूत करती है। ज्योतिष को प्राय बहुत ही गलत परिप्रेक्ष्य में या यूं कहें कि बहुत ही गलत अर्थों में लिया जाता है। ज्योतिष को और ज्योतिषी को चमत्कार के साथ जोड़ दिया गया, यह ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों के साथ ही नाइंसाफी हो गई। वस्तुतः शास्त्र की मर्यादा पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया। देश के शीर्ष श्रेणी के राजनेता हो या देश के प्रमुख व्यवसायी, देश के प्रमुख अभिनेता हो या देश के प्रमुख कथित बाबा, सभी ने कभी न कभी इस विद्या का या इस विद्या की सेवा करने वालों की सेवाएं ली है। और वही लोग सार्वजनिक रूप से इस विद्या का उपहास भी उड़ाते हैं, उनके लिए तो बस इतना ही कहूँगा कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा।